नमस्कार, मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे आज के महामंत्र की, किस महामंत्र को आपको जप कैसे करना है और उसके तौर तरीके क्या है, विधि क्या है और इस महामंत्र का जप करने से आपको क्या फायदा मिलेगा। आज का पंचांग क्या है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्रमा किस राशि पर रहेगा और तिथि क्या है, योग क्या है, कौन सा नक्षत्र है, राहु काल कब है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, दिशाशूल कब है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे 12 राशियों के बारे में कि आज किसका भाग्योदय होगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, किसको सरकार से लाभ मिलेगा, कौन राजनीति में बड़ा कार्य करने वाला है, किसको महान उन्नति होगी, किसको सोना चांदी के क्षेत्र से धन लाभ होगा, किसको शेयर से धन लाभ होगा, किसकी माली हालत अच्छी होगी, दांपत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, आपको पुरस्कार दिया जाएगा या मान सम्मान मिलेगा, या घर में किसके किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, आपकी प्रगति के क्या रास्ते होंगे, आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या करेंगे, फिल्मी दुनिया में क्या करने वाले हैं, किस खेल के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, आप विज्ञान के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, रिसर्च के क्षेत्र में क्या करने वाले, सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको उपाय क्या करना है, सावधानियां क्या बरतनी है, किस अंक के प्रयोग करने से आप में महान उन्नति हो सकती है, किस रंग के प्रयोग करने से बड़ी सफलता मिल सकती है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आज का गुरु का नुस्खा भी बताएंगे और जिनका जन्मदिन उनके बारे में भी बताएंगे, प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। आज का महामंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्य। यह महामंत्र बहुत बड़ा महामंत्र है और यह दिवापति सूर्यदेव की है। सूर्यदेव की आराधना करने से यश, वैभव, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति के नेत्र की ज्योति बढ़ती है, वही यशस्वी होता है, प्रतिष्ठित होता है, प्रशासनिक क्षमता बढ़ती है, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है। तो सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति का चतुर्दिक विकास होता है, उसका आत्मबल बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति किसी परिस्थिति में हो दहाड़ता रहता है, तो सूर्य की आराधना करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आपका सिंह राशि का सूर्य है और आज यह मंत्र पढ़ते हैं तो आपका उत्तरोत्तर विकास होगा, वृद्धि होगा। यदि आप प्रशासनिक सेवा के लिए, नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अब आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 11 दिसंबर 2022, दिन है रविवार, तिथि है तृतीया, जो दोपहर 4:17 तक रहेगा। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, कृष्ण पक्ष है, ब्रह्म योग है, सूर्योदय होगा 7:03 पर, सूर्यास्त होगा 5:24 पर। आज चंद्रमा रहेगा मिथुन राशि में। शुभ समय है 11:53 से लेकर के 12:34 तक रहेगा। राहु काल है प्रातः काल 4:07 से लेकर के और 5:24 तक रहेगा। दिशाशूल है पश्चिम दिशा का, यात्रा करने से परहेज करें। आज चंद्रमा है मिथुन राशि में। खास तौर से जो मिथुन राशि के जातक हैं, आपने प्लानिंग बड़ी रखें, योजनाएं बड़ा रखें, विजन बड़ा रखें, तो जो विजन होगा वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपने इमेजिनेशन को, अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। जरूरत है अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की और निगेटिव थॉट में नहीं जाना है, निगेटिव लोगों से दूर रहना है। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। गुस्सा नहीं पालना है, एग्रेशन में नहीं आना है, छोटी छोटी बात को लेके इरिटेट नहीं होना, अपनी एनर्जी को जितना सही दिशा में लगाएंगे उतना आज का दिन आपके लिए बेहतरीन होगा। शुभ मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें अगर कोई भी किसी भी नए कार्य की आप श्री गणेश करते हैं तो आपके लिए आज का दिन अति शुभ होगा और कार्य जो भी करेंगे उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। राहु काल में किसी कार्य की शुरुआत न करें, राहु काल में किया गया कार्य निषिद्ध होता है, उसमें चतुर्दिक परेशानियां आती हैं। दिशाशूल में यात्रा करने से बचें, दिशाशूल में किया गया यात्रा लाभप्रद नहीं होता, उसमें कई प्रकार की संकटों का सामना करना पड़ता है, तो कोशिश करें कि राहु काल उसमें दिशाशूल में यात्रा न करें। लगता है कि यात्रा अपरिहार्य है तो आप उसका एक दिन पूर्व प्रस्थान निकाल करके तब करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपको चारों तरफ से लाभ का समाचार मिलेगा, चतुर्दिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा।
हर क्षेत्र में वृद्धि का योग है। नया व्यापार कर सकते हैं, खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो हॉकी के खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट के खिलाड़ी हो, या विज्ञान के विद्यार्थी हो, या लॉ के फील्ड में हो, चाहे मैनेजमेंट के फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड के हो, सबके लिए कालखंड बहुत अच्छा। आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, जहां चार है वहां आपका प्रवेश मिलेगा और आपका उत्तरोत्तर पढ़ाई के क्षेत्र में आपका विकास होगा। आपकी जो भी योजनाएं हैं, इच्छाएं हैं, पूर्ण होते हुए दिख रही है, माता पिता से लाभ मिलेगा। कोई भी नया प्लान करते हैं, नया कार्य करने के लिए सोच रहे हैं, तो कार्य आपका संपन्न होगा, प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। सावधानी क्या बरतनी है, एकाग्र होकर अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए, बड़ी सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है, सूर्यदेव को जलाभिषेक करें। जलाभिषेक कैसे करेंगे, तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें चावल को लाल रंग में रंग लीजिए, लाल पुष्प रखिए और गुड़ केसर रोली और लाल चंदन डाल करके ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र से तांबे के पात्र से जलाभिषेक करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपकी जो भी इच्छाएं हैं पूर्ण होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए दिख रही है, संतान से मन प्रसन्न रहेगा, संघर्ष समाप्त होगा, प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, लेखन कार्य से धन मिलेगा, जितना बड़ा परिश्रम करेंगे उससे बड़ा लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक विकास होगा, कोई आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल देंगे, यात्रा तीर्थाटन देशाटन से लाभ मिलते हुए दिख रहा है। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। यदि आपने प्लान किया कोई नया वाहन खरीदने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, वह प्लान आपका सफलीभूत होते हुए दिख रहा है। भूमि भवन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट माइंस में अगर पूंजी निवेश कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साझेदारी में किया गया व्यापार से लाभ मिलेगा, आपकी जो भी प्लानिंग है उसमें बड़ी सफलता मिलेगी, पारिवारिक स्थिति को पूर्ण करने में सफल रहेंगे, भाई बहनों का सुख मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना, सफेद वस्त्र का दान करें, दूध दही दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, जो आपकी योजनाएं हैं सफल होते हुए दिख रहे हैं, नए मेहमान के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा, शुभ कार्य हो सकता है, पत्नी का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है, चतुर्दिक लाभ होते हुए दिख रहा है और आत्मबल से सभी कार्य संपन्न होंगे। आज अंतरात्मा की आवाज को सुने, उसके दिशा निर्देशन में कार्य करें, आपकी महत्वाकांक्षाएं जो भी होगी वो और इमेजिनेशन और में रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे, जो महत्वाकांक्षाएं हैं इमेजिनेशन है वो रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है, बात भी बात करने से बचें। सावधानी क्या बरतनी है, सकारात्मक सोच रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव सोचें। उपाय क्या करना, हरा चारा गाय को खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपकी चिंताएं बेवजह बढ़ सकती हैं, तो चिंतित ना हो, आपका जो प्रयास होगा उसमें बड़ी सफलता मिलेगी, परिवार को समय दें, षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। आज आप ऐसे कार्य करेंगे जिसमें मान सम्मान बढ़ेगा, पुरस्कार मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र में विकास होगा, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास चतुर्दिक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा और अर्थ के क्षेत्र में किया गया प्रयास बड़ा लाभ देगा, आपकी माली हालत सशक्त होगी, सुदृढ़ होगी। कटु भाषा बोलने से बचना है, भाषा पर नियंत्रण रखें, माली हालत अच्छी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें, कई बार अपनी ऊर्जा को नेगेटिव डायरेक्शन लगाने से आप बेवजह परेशान रहते हैं और आत्म सुरक्षा की भावना को लेकर चिंतित रहते हैं, तो इस तरह के निगेटिव थॉट ले आने से बचना है। सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करें। उपाय क्या करना है, लाल वस्त्र दान करें और दूध या दही मंदिर में दान करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि अवसर आपके घर पर आएगा, अवसर आपका दरवाजा नाक करेगा, तो जरूरत है अवसर को अवेल करने की। नया व्यापार करने का अवसर मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, न्यायालय से धन लाभ मिलेगा, भूमि भवन से लाभ मिलेगा। आलस्य का परित्याग करके अपने कर्म क्षेत्र में लग जाइए, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, जो कार्य पाइपलाइन में सारे कार्य संपन्न होंगे, आज आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है, पत्नी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, उसे बड़ा लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी कार्य सोच समझ करके करने की जरूरत है। उपाय क्या करना, सूर्य की आराधना करें, लाल वस्त्र का दान करें या तांबे का पात्र कोई दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग मैरून, लक मीटर 8, हरे कृष्ण।
अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा, व्यापारिक प्रगति होगी, शेयर ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा और रुका हुआ धन प्राप्त होते हुए दिख रहा है। संबंधों में मधुरता आएगी। यदि आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो बड़ा लाभ मिलेगा। साहित्य के क्षेत्र से पुरस्कार मिलेगा। आज आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और आज आप पुरस्कृत किए जा सकते हैं, भूम भवन खरीद सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह कालखंड बहुत अच्छा है। सावधानी क्या बरतनी, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावे। उपाय क्या करना, चिड़ियों को दाना खिलावे। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि की जातक हैं, आज आपकी माली हालत अच्छी होगी और उत्तरोत्तर विकास होगा। आत्मसम्मान और आत्मवैभव में वृद्धि होगी। पॉजिटिव सोच बनाए रखने की जरूरत है। नेगेटिव थॉट में जाने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अपना मन उद्विग्न होने से बचावें, अपने को पॉजिटिव सोचें, अपना मनोबल ऊंचा रखें। आपकी कार्य योजनाएं पूर्ण होते हुए दिख रही है। मान सम्मान बढ़ेगा। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। रोजगार परक शिक्षा से लाभ मिलेगा। आयात निर्यात कर सकते हैं। विदेश में होटल इत्यादि बना सकते हैं। परिवार में शुभ कार्य हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना, भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग है डार्क नीला, लक्ष्मी करे 7, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस में लगाया गया पूंजी लाभ देगा। आपके अपने मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। बेवजह तनाव में रहते हैं तो तनाव में रहने से बचें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता था। जल्दबाजी में एग्रेशन में कोई कार्य न करें, परिवार में समय दें, अच्छा रहेगा। आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। परिवार में शुभ कार्य हो सकता है और शुभ कार्य में विघ्न बाधा आ सकती है, लेकिन कार्य संपन्न होगा। भाई बहन को लेकर के मन में तनाव होगा, लेकिन भाई बहन से सुख मिलेगा। नया इंडस्ट्री लगा सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो खेल खिलाड़ी के क्षेत्र में कार्य करते हैं, खेल के क्षेत्र में, उनको बड़ी सफलता मिलेगी। जब फिल्म बनाने वाले लोग हैं या लालित्य कला के क्षेत्र में जिनके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर है, वो उसके आज अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। पानी पर नियंत्रण रखें। कई बार आप बहुत यथाशीघ्र किसी कार्य को करने के लिए लालायित रहते हैं तो यह स्वभाव आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा उस पर अपने को नियंत्रित रखने की जरूरत है। जितना संयम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतें, अपने खर्च पर नियंत्रण करें। उपाय क्या करना है, गाय को रोटी खिलावें या लाल वस्त्र दान करें या बंदरों को केला खिलावें या भुना हुआ चना खिलावें। शुभ अंक 6, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे धनुराशि की। तो जो धनुराशि के जातक हैं, आज आपको व्यापार के क्षेत्र से बड़ा लाभ मिलेगा। चारों तरफ से जो शत्रुओं से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं वो सारे रोग और शत्रु परास्त होंगे। आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आज आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। आपका बलाबल बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, आपका तनाव समाप्त होगा। गुस्से पर नियंत्रण करने की जरूरत है। देश विदेश की यात्रा करने की अगर आपने प्लान किया तो यात्रा फलीभूत होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें। आपका समय अनुकूल चल रहा है तो समय का सदुपयोग करें, एनर्जी का सदुपयोग करें और अपने को चैनलाइज करके और सिंसियर होकर के कार्यों में लगना। कोई कार्य कल पर न टालें। आज जो कार्य करना अभी तत्काल प्रभाव से करें, आपको सफलता मिलेगी। और अपने मन को सही रखें। शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। यदि आप कोई नए व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। व्यय करने से बचना है। उपाय क्या करना, असहाय को वस्त्र दान करें, पुस्तक दान करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 9, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको न्यायालय से धन लाभ मिलेगा। नया कार्य कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं और आज आपका मन काफी अच्छा रहेगा। माता पिता का सुख मिलेगा और संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। आत्मबल से सारे कार्य संपन्न होंगे। आज आपका मनोबल काफी ऊंचा रहेगा। माली हालत सुदृढ़ होगी। परिवार में शुभ कार्य होगा। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। यात्रा तीर्थाटन देशाटन से लाभ मिलेगा। पुराने मित्र मिलेंगे। रुका हुआ धन मिलेगा जिससे आपकी माली हालत अच्छी होगी। सावधानी क्या बरतनी है, अपने खर्च को नियंत्रण में करें। उपाय क्या करना है, मछलियों को दाना खिलावें, सरसों के तेल दान करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको नए प्रकार का व्यापार करने का अवसर मिलेगा। माली हालत आपकी अच्छी होगी। दूर देश की यात्रा हो सकती है। परिवार में शुभ कार्य होगा। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। पिता का सुख मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे रिसर्चर हो, सबके लिए, जितने भी विद्यार्थी उनके लिए बहुत अच्छा है। खिलाड़ियों के लिए करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा। आज आपकी सभी योजनाएं सफल होते हुए दिख रही है। सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। उपाय क्या करना, सरसों के तेल दान करें या काले कुत्ते को
सरसों के तेल में बनी हुई रोटी खिलावे। शुभ अंक 6 शुभ रंग है हरा, लक मीटर 6 हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपका समय थोड़ा प्रतिकूल चल रहा है, उतार चढ़ाव आ सकता है। कटु भाषा बोलने से बचें, समय का सदुपयोग करें। शनि की 7:30 चल रही है, तो अपने वाणी भाषा पर नियंत्रण रखें, बेवजह विवाद न करें। बड़े मात्रा में धन लाभ होगा और जो आपके पुराने कार्य किए हुए उससे बड़ी लाभ मिलेगा। जो पाइपलाइन में कार्य है उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। अपने खर्च पर नियंत्रण करें, आपका समय थोड़ा सा आपके अनुकूल है तो जो करेंगे उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। पिता का सहयोग मिलेगा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, बेवजह गुस्सा न करें। खान पान पर नियंत्रण रखें, कई बार आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं जिससे हेल्थ प्रभावित हो सकता है, तो उससे बचने की जरूरत है। और लेखन कार्य कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दिया या कमीशन का कोई पोस्ट दिए तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका विजयश्री मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना, हल्दी की कोई गांठ अपने पर्स में रखें और पीले रंग का वस्त्र दान करें या केला बंदरों को खिलावें। शुभ अंक 9 शुभ रंग पिंक, लक मीटर 9 हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे गुरु के नुस्खे की। तो गुरु के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि आप रविवार के दिन क्या करें, खास उपाय जिनको करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। कहते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार सप्ताह का हर दिन किसी न किसी ग्रह और देवी देवताओं के लिए समर्पित होता है। इसी क्रम में रविवार का दिन भगवान सूर्य देव के लिए माना जाता है। कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को के लिए कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति के सारे कष्टों से छुटकारा मिलती है। तो रविवार के दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और इसके साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। वह जीवन में धन तरक्की सुख समृद्धि सुविधाओं को पाने का आशीर्वाद देती हैं। आइए रविवार के दिन क्या उपाय है आपको बताते हैं। रविवार के दिन सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें, सूर्य देव की आराधना करें। इससे कुंडली आप में अगर सूर्य खराब भी है तो आपका सूर्य स्ट्रांग होगा और आपकी लाभ होगा। रविवार के दिन खासतौर से मछलियों को आटे की गोली जरूर खिलावें, इससे कभी भी आपके घर में धन दान की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन परिवार के सभी सदस्यों को अपने मस्तक पर लाल चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए, इससे आपके घर में खुशी आती है। कुंडली में सूर्य को तेज करने के लिए रविवार के दिन तावे के लोटे में जल लें और उसमें लाल पुष्प लें, थोड़ा सा सिंदूर डालकर उगते हुए सूर्य को, उदीयमान सूर्य को अर्घ दें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन भगवान शंकर माता पार्वती को रुद्राक्ष अर्पित करें। रविवार के दिन एक साफ कपड़े में गेहूं और गुड़ भरकर गांठ लगा दें और फिर इसका दान करें, इससे आपका सूर्य मजबूत होता है। सुख समृद्धि के लिए रविवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे चार मुंह वाला दीपक जलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। रविवार की शाम को प्रवेश द्वार के बाहर देसी घी से दीपक दोनों ओर जला दें, इससे माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। रविवार को बहते हुए जल में गुड़ और थोड़े से चावल प्रवाहित करने से आपके व्यवसाय में उत्तरोत्तर लाभ होता है, नौकरी में पदोन्नत होती है और आपकी समस्याओं का समाधान होता है। तो रविवार के दिन ये सारे उपाय करने से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक काम और करना चाहिए कि रविवार के दिन खासतौर से जो लाल चींटियां होती हैं उनको आटा शक्कर इत्यादि भोजन के रूप में खिलावें, इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन इस तरह के उपाय करने से सूर्य देव मजबूत होते हैं। कहते हैं कि कुंडली में जब सूर्य खराब है तो ऐसे परिस्थिति में उपाय करके सूर्य आपके अनुकूल हो सकता है। उपाय करना, दान करना, मंत्रों का जप करना, जिस प्रकार से आप घटनाओं को टाल नहीं सकते, जैसे बारिश होती है तो बारिश को आप टाल नहीं सकते लेकिन छतरी लगा के बारिश के कुप्रभाव से बच सकते हैं। इसी प्रकार से आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को आप टाल नहीं सकते लेकिन घटनाओं की जो क्षमता है, इंटेंसिटी है, उसको कम कर सकते हैं, तो इससे आपका काम बन सकता है। तो इसलिए उपाय करना आपके लिए काफी कारगर होता है, इससे सूर्यदेव मजबूत होते हैं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो छोटे छोटे उपाय लेकिन बहुत ही कारगर है, इसको करना चाहिए, करने से आपको काफी लाभ मिलेगा। अब बारी है दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का। हमारे साथ झारखंड से हैं उमा प्रसाद। उमा प्रसाद का जन्मतिथि है 6 अगस्त 1986 और समय है 11:35 प्रातः काल पर इनका जन्म है। ये जानना चाहते हैं कि आने वाला समय इनका कैसा रहेगा, भविष्य कैसा है। तो उमा जी, आपका जो जन्म है तुला लग्न का है। तुला लग्न के जो जातक होते हैं बड़े गंभीर होते हैं,
देखने में गुड लुकिंग स्मार्ट होते हैं, मैग्नेटिक व्यक्तित्व होता है उनका, और अपने प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इनको भली भांति आता है। दूसरे भाव में शनि है, शनि होने के नाते आपकी भाषा थोड़ी तीक्ष्ण होगी, आपको कब क्या बोलना है इसका ध्यान नहीं रखते, बोलने में आपके संबंध भी खराब हो जाते हैं, तो वाणी पर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, नियंत्रण रखने की जरूरत है। मंगल आपका तीसरे भाव में है तो आप रेस्टलेस हैं, जो भी कार्य करते हैं आपके लिए 24 घंटा काम करने के लिए कम पड़ता, तो अपने कुछ एनालाइज होकर के सिंसियरिटी के साथ काम करें। और गुरु आपका पंचम में बैठने से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, सुपर इंटेलिजेंट होता है, उसके सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन उसका अच्छा होता है, आय का जरिया बढ़िया रहेगा और व्यापार बढ़िया करेंगे, और खास तौर से देखा जाता है नौकरी के लिए आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। शुक्र 12 हो तो व्यक्ति महाधनी होता है। अभी वर्तमान में जो आपका कालखंड चल रहा है वह सूर्य की दशा शुरू हुआ है जो 2025 तक जाएगा, और ये शुरू हुआ है 26 सितंबर 1922 को, तो अभी 3 साल बचा है, 3 साल निकल गया, तो आने वाला कालखंड मार्च 2023 से लेकर के जून 25 तक यह कालखंड आपका काफी गोल्डन है। इसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। आप क्या करें कि सूर्य देव की आराधना करें, 7 रत्ती का माणिक्य पहने आपके लिए अच्छा है। अब हम बात करेंगे आज के जन्मदिन की। आज है 11 तारीख, जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, आप खूब आगे बढ़े, प्रगति करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि यश वैभव प्रतिष्ठा प्राप्त हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसे, हैप्पी बर्थडे। आज है 11 तारीख, 11 तारीख के जो मूलांक होता है 2 होता है, तो खास तौर से 2 11 20 और 29, 2 11 20 29 तिथि के जन्मे जो जातक होते हैं उनका मूलांक 2 होता है। 2 नंबर वाले जो जातक होते हैं, नंबर 2 वाले, वो बहुत सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं, लेकिन उतने ही जटिल होते हैं, उतने उदार होते हैं, उतने कठोर होते हैं। इनके अंदर समाज सेवा की भावना होती है, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, इनका अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, ये ना व्यक्तिगत जीवन के चक्कर में रहते हैं, ये हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को सुख दे करके अपने को सुखी महसूस करते हैं। ये सारे रिश्ते में परफेक्ट होते हैं, सारे रिश्तों का बड़ा कायदे से इस पर निर्वाह करते हैं। यह वर्ष आपके लिए धन धान के लिए अच्छा रहेगा, गाड़ी घोड़ा खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, जो आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट है इस वर्ष पूरा होगी। लव कम अरेंज विवाह होने की संभावना है। एकेडमिक करियर के दृष्टिकोण से वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है। प्रॉपर्टी भवन इत्यादि खरीद सकते हैं, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है वाहन खरीद सकते हैं, उसके लिए कालखंड आपका काफी अच्छा है। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी माइन से आपको काफी फायदा मिलेगा और नए तरह के कार्य कर सकते हैं, उसके लिए यह दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई यह पूरा कालखंड आपके लिए स्वर्णिम रहेगा, इसमें आपकी समस्त प्रकार की कार्य जो भी आपने प्लानिंग किया है उसमें सफलता मिलेगी, उत्तरोत्तर प्रगति होगी, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी और प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दिसंबर आपके लिए काफी अनुकूल होगा और हर तरह की सफलता मिलेगी। पुनः आपको जन्मदिन के एक बार बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। भाग्य गुरु बसा जितना ही, फिर हम आपसे कल इसी समय इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।